आज विद्यार्थी क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, फिर आरोग्य, मेडिकोज, किसान, मजदूर, यहाँ से लेकर तो फिजिकली चैलेंज ऐसे लोगों के बीच में काम करने वाला सक्षम संगठन हो, ऐसे 36 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। ये सभी संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस हैं, क्योंकि इसमें अनेक समाज के वर्ग भी आकर काम करते हैं। ऐसे संगठनों के निर्णय, डिसीजंस, पॉलिसीज वो संगठन अपने अपने स्तर पर तय करते हैं, लेकिन काम करने वाले स्वयंसेवकों का देश भर में समाज के अनेक प्रकार के वर्गों से उनका इंटरेक्शन होता है, मिलना होता है, तो एक ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ नए प्रयोग होते हैं, अपने प्रयोगों का अनुभव है या कुछ उनके जो अचीवमेंट्स हैं इनको शेयर करना और साथ मिलकर ऐसे 3 दिन का ये बैठक थी। आज ये बैठक समाप्त हो रही है। 36 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के 216 कार्यकर्ता यहाँ पर अपेक्षित थे, जिसमें 24 माता बहनें भी जो विभिन्न संगठनों में काम कर रही है वे भी अपेक्षित थी। करीब 91% उपस्थिति थी, थोड़ा कोरोना पैंडमिक कारण जो स्वस्थ नहीं थे दे कुड नॉट कम हियर। जैसे यहाँ कोई निर्णय करने की बात नहीं होती है, परंतु साथ मिलकर समाज में कुछ परिवर्तन के प्रयोग होते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो आरोग्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने ऐसे संगठनों ने मिलकर कुपोषण की समस्या जो अपने देश में है, न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, उसके दृष्टि से एकत्र मिलकर उसको दूर करना, उसके बारे में लोगों का प्रबोधन निर्माण करना और ऐसे न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने की व्यवस्था करना, इस पर काम किया है।